तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। और आज देखिए, हम जो हैं सवेरे सवेरे घर आंगन को लीप रहे हैं। ये देखिए, पूरा घर आंगन मेरा लिपाया हुआ है। चलिए आप लोग को जो है पीछे के कैमरा करके दिखाते हैं। और सावन का जो है ये चौथा सोमवारी चल रहा है, तो आज सोमवार का जो है मेरा उपवास है। सोमवार का भोले बाबा का व्रत भी किए हुए हैं, अभी नहाए धोए नहीं हैं। सोचे कि चलिए पहले घर द्वार को जो है गोबर से लीप लेते हैं। तो चलिए दिखाते हैं कि घर जो हम अपने लीपे हैं गोबर से। और क्या है कि अभी मेरा कोई ब्लॉग बनाने वाला नहीं है, तो हमको ही दिखाना पड़ेगा। तो देखिए अभी जो है पूरा लेढ़ाए हुए हैं, ये देखिए पूरा कादो कीचड़ लगा हुआ है, पूरा लीप के जो है हम अभी उठे हैं और बाकी है अभी लीपने को। तो आप लोग को जो है, हमारे चैनल पे होंगे तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और घर आंगन जो है गांव में कैसे लीपते हैं और गोबर से लीपते हैं। गोबर कहा जाता है कि शुद्ध होता है। हमारे मिथिलांचल की रीति रिवाज, मतलब हर पूजा त्यौहार में जो है गोबर शुद्ध माना जाता है, गोबर से ही आंगन घर लीपते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को पीछे के कैमरा करके कि देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखिए, हम जो है पूरा घर को लीप के आए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए घर को जो है अंदर से लीप के आए हैं। पूरा अंधेरा था, देखिए, और आप लोग को दिख रहा होगा कि कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए मिट्टी का दीवार है और इसको जो है देखिए कैसे लीप रहे हैं। और ये देखिए अभी जो है इतना निपा गया है और अभी बाकी है। इधर तो निपा हुआ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और इधर देखिए कैसे एकदम लगता है बारिश, तो पूरा मिट्टी जो है पूरा पिघल गया है। ये देखिए देख रहे हैं। और देखिए इधर भैंस भी है, तो भैंस और गाय का गोबर भी हम सब जो है अंगना घर लीपते हैं उसी से। तो इतना दूर बचा हुआ है, ये देखिए इधर भी निपाया हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए इधर भी निपाया हुआ है, बस इधर बाकी है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमारे घर आंगन जो है कितना खूबसूरत लग रहा है, निपाया हुआ है। और जिधर नहीं निपाया है उधर देखिए कैसा लग रहा है, एकदम हरा हरा लग रहा है। कहते हैं कि हमारे गांव में सावन जब आता है तो गाय का गोबर भी हरा हरा रहता है, हरियर हरियर। तो देखिए अभी जो है हम नीप रहे हैं, पूरा घर आंगन यानी घर जो है पूरा नीप के आए हैं। और नीपने से जो है कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए अभी जो है बारिश का टाइम है, और बारिश का टाइम में जो है पूरा एकदम आप हमको देख रहे हैं कि मतलब ऐसे देखिए पूरा ये सब में भी गोबर लगा हुआ है। अभी सोचे कि चलिए आप लोग को हम अपने घर आंगन का ब्लॉग बना के दिखाते हैं। तो ये देखिए कैसा लग रहा है हमारे घर आंगन, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो जो हमारे मिथिलांचल से हमारे ब्लॉग देखते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये देखिए। और कुछ और जो है हम आगे का भी दिखाएंगे, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कैसे लीपेंगे वो भी दिखाएंगे। तो देखिए अभी जो है हम अपने आंगन को ये देखिए कैसे लीप रहे हैं, और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हरा हरा। तो हमारे गांव घर में जो है इसी तरह गोबर से कोई भी पावन त्यौहार होता है तो इसी तरह से जो है हम लोग गोबर से ही लीपते हैं। ये देखिए इस तरह से हम लोग लीपते हैं। ये तो अभी जो है हम जल्दी जल्दी नहा मतलब लीप लेंगे, उसके बाद जो है हम नहाएंगे। और देख रहे हैं पूरा लेढ़ाए हुए हैं, पूरा जो है गोबर और मिट्टी लगा हुआ है। देखिए और सावन का आज चौथा सोमवार है ना प्रिया? हाँ, चौथा सोमवारी है। और सोमवारी आज प्रिया ब्लॉग बना रही है, हमारी जेठानी की लड़की है, और सब जो है सब स्कूल गई है, तो प्रिया आ गई है, तो सोचे कि ब्लॉग हम प्रिया ही बना दे। तो प्रिया मेरा ब्लॉग बना रही है। ये देखिए अब जो है हम नहाइए लीप के और निकलेंगे। ये देखिए कितना ढेर सारा चप्पल है, चप्पल जूता सबका बाजार लगा हुआ है। इसको जो है रख देते हैं, साइड में रख देते हैं, इधर निपा गया है। बारिश जो होगा तो पूरा कहीं दह ना जाए, है ना प्रिया? बारिश में पूरा कहीं पानी आने से पूरा जो है बह जाएगा पानी में। लेकिन हम तो कहते हैं आज नहीं पानी आए वही अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना मेहनत सब नीप रहे हैं। देखिए
बाद जो है हम नहाएंगे, पूजा भी करेंगे। आए देखिए गोबर, गाय का गोबर, गाय भैंस का गोबर। कितना लोग को जो है मतलब शहर वालों सब जो है वो लोग जो है मतलब गोबर से घिनना मानते हैं कि छी ये क्या है, इससे क्या है निकल रहा है। तो देखिए सबको अपना अपना जो है जैसा देश वैसा भेस रहना पड़ता है। वो लोग जो है टाइल्स मार्बल में रहते हैं तो उनको गोबर पसंद नहीं है, क्योंकि गोबर में कभी रहे नहीं। और हमारे मिथिलांचल में तो गोबर शुद्ध माना जाता है, तो गोबर से ही अंगना घर नहीं पाता है। यहाँ तक कि कोई पूजा त्यौहार हुआ तो उसमें जो है अगर जहाँ पे पूजा होगा वहाँ पहले गोबर से निपाएगा। तो आज जो है हम जल्दी 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 सुबह में लिख लेते उठ के सवेरे सवेरे, लेकिन हम जो है सवेरे से लिखते हैं मतलब थोड़ा लेट हो गया, इसलिए कि बच्चे लोग स्कूल गया है तो उस सबको जो है नाश्ता खाना बनाए हैं और उसके बाद जो है हम ये कर रहे हैं। उसके बाद ये सब निकाल जाएगा तब हम नहाएंगे धोएंगे पूजा भी करेंगे भोले बाबा का। और आप लोग को जो है हमारा गीत भी सुनने को मिलेगा। देखिए कितना दूर में निपाया है और कितना सुंदर लग रहा है। जल्दी जल्दी हाथ चला रहे हैं क्योंकि बारिश का कोई ठीक नहीं है। देखा मौसम खराब है, तो आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ये देखिए ऐसा लग रहा है घड़ा मतलब बिगड़ गया है और अब नीट लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हम नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और अभी जो है हम पूजा करने जा रहे हैं। हम अपने घर का पूजा जो है नहीं दिखाए क्योंकि अंधेरा है, तो उसमें जो है वीडियो फ्रेश नहीं दिखाएगा। और घर आंगन नीप उप के जो है नहा धो के पूजा किए हैं और अब जो है हम तुलसी में जल ढारने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग को भी दिखाते हैं। ये देखिए इसमें जो है जल रखे हुए हैं लोटा में और पूजा करने जा रहे हैं। तो चलिए आज दिखाते हैं हमारे घर का जो है तुलसी जो है मतलब साइड में हम रखे हुए हैं। तो आइए तो चलिए दिखाते हैं आज जो है हमारे तुलसी महारानी का जो है पूजा कहाँ करते हैं। तो आप लोग को दिखाते हैं और देखिए कितना हरा हरा है। तो देखिए हमारे तुलसी महारानी जो है एक नहीं चार चार है, ये देखिए। और अब जो है इसमें हम सलाई जो है पहले से अगरबत्ती पार कर लें।
देखिए सिंदूर भी लाए हैं, क्योंकि सिंदूर कहते हैं सुहागन को, हर सुहागन को तुलसी में जो है सिंदूर लगाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी के ही कृपा से सुहागवती रहते हैं। तो तुलसी में हमेशा सिंदूर लगाना चाहिए, और बजरंगबली का भी माना जाता है तुलसी में। तो ये देखिए हम तुलसी मैया को जो है लगा रहे हैं। ये देखिए सब में लगा देते हैं, और इसको जो है, और इसमें जो है वो हम लगा लेते हैं, यानी माता को लगाने के बाद जो है खुद को लगा लेना चाहिए। तो देखिए आज का पूजा जो है मेरा ख़त्म हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हमारे गांव घर में जो है, आप तो देखे हैं हमारे घर आंगन का ब्लॉग, इसी तरह ब्लॉग के साथ जो है फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जो हर हर महादेव, और पूजा आप लोग भी धूमधाम से मनाइए, चौथा सोमवारी का ढेर सारा शुभकामना आप लोग।